उसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बीपीएससी TRE 3 का जो भी आपका क्वेश्चन है, PRT का हम देखेंगे हिस्ट्री से लेकर के अभी तक का, यानी कि TRE 1 में क्या घटना घटी थी और TRE 2 में क्या घटना घट चुकी है और TRE 3 में क्या संभावना है। ऑलरेडी आप लोग को पता है कि एक बार कैंसिल हो चुका है पेपर और दोबारा ये हुआ है, इसमें अभी कोई भी संभावना नहीं बताई गई कि कोई पेपर ऐसे समस्या ऐसे बताई नहीं गई, यानी कोई भी ना न्यूज़ में निकल के आए ना स्टूडेंट के द्वारा ऐसे हंगामा हुआ है कि पेपर लीक की कोई समस्या देखने को मिला है। तो आई होप कि मैं बस ये सजेस्ट करूँगा कि क्लियर कट जो भी लोग उसकी योग होंगे, जो लोग मेहनत किए होंगे, जो लोग सालों से मेहनत किए हैं, BEd किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं और उसके लिए तत्पर हैं, उन लोगों को जो योग्य हैं उनको सफलता प्राप्त हो ताकि वो बिहार के भविष्य को बनाने के काम आएँ, बच्चों को पढ़ाने के काम आएँ, ना कि ये टाइम पास करें। वो पहले वाला ज़माना चला गया जो आपके बाबा चाचा मामा ताऊ करके चले गए हैं, जो सिर्फ टाइम पास के लिए आते थे और बस 9 to 5 या 9 to 3 आकर क्लास आकर के उसमें 1 घंटा 2 घंटा अटेंडेंस लगाया। अभी भी कई ऐसे जगह हैं बिहार में, कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर सिर्फ अटेंडेंस से काम चल रहा है, हालांकि उस पर कार्रवाई हो रही है, नाम उजागर हो रहा है और वो उस पर चाहे मीडिया हो या फिर कई लोग आसपास के टीचर हो या फिर कई लोग जनसमूह बना करके उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी लोग फर्जी डिग्री वाले हैं TRE 1 TRE 2 में जो ज्वाइन कर चुके हैं किसी कारण से, जिसका 80 नंबर है या 89 नंबर है, 90 से कम है, CTET क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी वो ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों को बाहर किया जा रहा है। अदर जितने भी स्टेट वाइज जैसे मुजफ्फरपुर हो या दरभंगा हो, अलग जगह से नोटिस जारी कर दिया जाएगा। कई जगह से 20 लोग का देखते होंगे आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा, 20 लोग कभी 50 लोग कभी 30 लोग को बाहर कर दिया गया इसी कारण से। चलिए बातें करते हैं मेन टॉपिक्स पर। BPSC आपका TRE 3 में है, जो है TRE आपका PRT के लिए 1 to 5 एक्सपेक्टेड कटअप है। टोटल पोस्ट इस बार जो रहा है 2826 से PRT के लिए, एप्लीकेशन जो आए 1,60,664 लोग आए और पर सीट कंपटीशन 5.73 रहा है। हालांकि टोटल लोग अप्लीकेंट जितने भी हैं सभी लोग बैठते नहीं एग्जामिनेशन में, तो आप 5 कंपटीशन मतलब आप 5 लोग अगर कंपटीशन में है तो कम से कम 4 लोग आपके साथ फाइट करने वाले हैं, 4 लोग आपके साथ फाइट करने वाले हैं, ये नो डाउट्स इसमें रहेगी। चलिए टोटल जो है आपका TRE 1 की अगर हम चर्चा करें तो TRE 1 में आपका जो कटअप गया था मेल और फीमेल लगभग 70,000 इसमें सीटों की संख्या थी। PRT के लिए टोटल 1,70,000 सीट थी, लेकिन 1,32,000 1,30,000 के आसपास लोगों को नियुक्ति पत्र मिला था, जो पटना या फिर पटना जो आपकी राजधानी है बिहार की या अन्य सभी जगह नियुक्ति पत्र और समाचार का न्यूज़ का विपक्ष का ये एक मुद्दा भी बना था। चलिए इसकी बातें करते हैं। URM उसमें जो कटअप गई थी 67, जो कि इसमें कई चीज़ें हैं, धांधली भी हुआ था, कई इंटरनली धांधली इसमें हुआ था और अभी भी उसके लिए लोग फाइटिंग कर रहे हैं अपने अपने एक एक नंबर के लिए। DOB के कारण कई लोग को बाहर कर दिया गया है, सेम नंबर आया 67 ही नंबर आया, लेकिन किसी को एक दिन के कारण दो दिन का कारण जो एजेंट हैं उनको बाहर कर दिया गया। 57 गया था आपका फीमेल के लिए। EWS जो गया था 56 गया था कटअप और इसमें 48 गया था फीमेल का। EBC का कटअप जो गया था 55 और फीमेल के लिए 47। देख सकते हैं EC के अनुसार 10 नंबर का डिफरेंस, लगभग 8 नंबर का, कहीं 7 नंबर का। यहां देख सकते हैं BC का कटअप और फीमेल में कितना डिफरेंस है, तो आपका 16 नंबर का डिफरेंस है। यहां 47 गया था कटअप और यहां पर 8 नंबर कम है आपका फीमेल का। ST का जो गया था 46 और इसमें 39 गया था ST कैटेगरी का। और विकलांग का कोटा का ये सारे सीट खा गए थे और ये सीट मिला करके TRE 2 में डाल दिया गया था और इसमें सीटों की संख्या मात्र आई थी, जनरल लो बना दिया गया था, 1,39,000 ओनली 1,39,000 बनाया गया था और इसमें जो कटअप जनरल बनाने के कारण मेल और फीमेल का कटअप सेम रहा गया था 89 89। सीटों की संख्या कम होने के कारण आनंद फानंद में TRE 2 लिया गया था, जिसके कारण ये सारी चीज़ें दिक्कतें हुई थी। टोटल पोस्ट मात्र इतना था, 9100 समथिंग के आसपास सीट थी और मात्र इसमें भी रिजल्ट दिया गया था 3100 लोगों का। बाकी सीट कहाँ गया, क्या है, इंटरनली घुसाया गया, क्या प्रॉब्लम है, अभी तक क्लियर नहीं किया गया। अब बातें करते हैं TRE 3 में जो एक्सपेक्टेड कटअप होगी, जो अब तक का सबसे सटीक रहने वाली है। PRT की बात कर रहे हैं 1 to 5 के लिए ये रहने वाली है, इस तरह से आप देख सकते हैं। UR के लिए रहेगा फिर 75 से लेकर के 80 के बीच में रहता है, तो आपको मान सकते हैं आपका रिजल्ट होगी, अगर आप 80 प्लस आप लेके आ रहे हैं 80 प्लस तो नो डाउट्स आप सेफ स्कूल में रहेंगे। फीमेल की बात करेंगे तो 10 नंबर कम रहेगा, 65 से लेकर के 70 के बीच में अगर आपका है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपका 70 प्लस बन रहा है तो आप सेफ मान के चलिएगा। EWS का अगर मेल की बात करें 65 से लेकर के 70 के बीच में रहने वाली है, 70 प्लस से आप मेल वाले PRT में सेफ को मान सकते हैं। इसमें 10 नंबर कम आपका 55 से 60 के बीच में रहेगा, 10 आपका 60 प्लस अगर आपका है तो आप नो डाउट्स इसमें आप सेफ मानिएगा EWS फीमेल के लिए।
EWS फीमेल, अगर आप सिर्फ बिहार के निवासी हैं, जितने भी हैं बिहार का डोमिसाइल चाहिए इसमें, और अपने जो भी आप कैटेगरी जिससे बिलोंग करते हैं उसके लिए करंट ईयर का आपका EWS होना चाहिए, EBC होना चाहिए, BCO हो, SC, ST, अदर स्टेट वाले आप SC से हो, OBC से हो, या विकलांग कोटा से हो, कहीं से भी कुछ हो, आपको UR में फाइट करना पड़ेगा। मेल और फीमेल का अलग अलग कैटेगरी रहेगा, इस तरह से आप दे सकते हैं। अपना डाउट क्लियर हो गया होगा, कई लोग इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं और कोई भी इसके रिगार्डिंग सही से बताता भी नहीं, एक्चुअली पता भी नहीं कई लोगों को। EBC का जो रहेगा L62 से लेकर के 65 के रहने वाली संभावना है PRT के लिए, और 52 से 56 आपका फीमेल के लिए रहने वाले। BC के लिए इससे 4-5 नंबर ज़्यादा होता है, 68 से 72 के आसपास रहेगा, और BC अगर फीमेल की बात करें तो आपका 58 से 62 के बीच में रहता है BC का। SC कैटेगरी की बात करें तो 57 से 60 के बीच में रहेगा, और आपका फीमेल की बात करेंगे SC कैटेगरी में तो आपका रहेगा 50 से 53 के बीच में। ST कैटेगरी आपका रहेगा 58 से लेकर के 60 के बीच में, और इसमें 48 से 52 के बीच में। आपका PRT की चर्चा कर लिए, अब नेक्स्ट हम बातें करेंगे आपका 6 to 8 के लिए। आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, मीन बाइल आपका जवाब हम देख ले रहे हैं और आपका यहाँ पर हम रिप्लाई भी कर देंगे, यहाँ पर हम आप लोग को रिप्लाई भी करते चले जाएंगे। आप लोग जितने भी लोग कनेक्टेड अभी हो पा रहे हैं आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं मेन। चलिए TRE3 का अगर बात करें, 6 to 8 में टोटल सीट जो आपका है लगभग 19,097 सीट आई थी, और SST की बात करेंगे यानी आपका SST सब्जेक्ट का जो कट ऑफ रहने वाली है, और मेल की बात करें मेल में आपका रहेगा 80 से 85 इसमें सीटों जो है कंपेरिजन देखेंगे, क्योंकि DLED वाले इसमें भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, BED में जो है ग्रेजुएशन कर रखे हैं, और BED और साथ में साथ DLED कर रखे हैं वो भी, जिसके कारण कंपटीशन 6 to 8 में इस बार सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। TRE2 में भी देखने को मिला था, TRE1 में 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आई थी, याद रखिएगा 6 to 8 की वैकेंसी है। जो लोग 6 to 8 की फाइट कर रहे हैं, 3 अटेम्प्ट है आप लोग के लिए, तो आप एक बार और फिल्म फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और आप लोग की वैकेंसी 1,60,000 आने वाले मंथ में यानी अगस्त में देखने को मिलेगा। तो आप लोग पढ़ाई से जुड़े रहिएगा, कहीं भी भटकिएगा मत, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF नोट्स बहुत सारे दिए हुए हैं, उसको आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, मैं बार बार बोलता हूँ। EWS का जो कट ऑफ रहने वाली है इसमें आपका SST के लिए 6 to 8 का 70 से 75, फीमेल का अगर रहेगा आपका UR में 75 से 80 के बीच में, EWS का आपका इसमें रहेगा 63 से 67 के बीच में 67, EBC का 71 से 75, फीमेल के लिए 60 से लेकर 65, BC का आपका रहेगा 75 से लेकर 80 के बीच में लगभग आपका EWS आसपास में, या उससे थोड़ा ज्यादा जाता है BC का। EBC और EWS सेम ही लगभग रहता है आपका 70 से 75 के आसपास में, इसमें आपके फीमेल में रहेगा। SC के कैटेगरी में 65 से 70 के बीच में रहेगा, और आपका फीमेल का 55 से 60 के बीच में रहने की संभावना है। नेक्स्ट ST कैटेगरी का आपका 60 से 65 है, 50 से 55 आपका फीमेल का रहने वाला। नेक्स्ट आप चर्चा करें, नेक्स्ट आपका 6 to 8 का साइंस सब्जेक्ट की हम बातें करेंगे, साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं। साइंस सब्जेक्ट में देखेंगे कैटेगरीज आपका इस तरह से रहेगा, ये मेल है ये फीमेल रहेगा, साइंस और मैथ एक ही रहता है। कई लोग को ये भी नहीं पता है कि मैथ और साइंस जो है 6 to 8 में साथ आता है, यानी एक साथ कंबाइंड आता है। लोग सिर्फ साइंस का बताते हैं, कई जगह आपने देखा होगा वीडियो, कई जगह सिर्फ मैथ का चर्चा करते हैं, दोनों एक साथ आता है। आपका 9th से 10th, 11th से 12th में चेंज हो जाता है, वहाँ से चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। आपका UR कैटेगरी के लिए 80 के आसपास में रहेगा, 80 प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, अगर आपका 80 प्लस आपका 82 प्लस आ रहा है तो आप सेफ मानिएगा, ठीक है। और फीमेल के लिए 75 प्लस आपका सेफ मानिएगा। EWS की अगर चर्चा करें तो 70 से लेकर के 74 आपका रहने वाले हैं, और इसमें 67 से लेकर 69 के बीच में रहने वाले। BC कैटेगरी की अगर चर्चा करें तो BC में आपका रहेगा 78 से 80 के आसपास में रहेगा, और फीमेल के लिए 73 से 76 के आसपास रहेगा। इसके बीच में अगर आपका नंबर लाइक कर रहा है तो आप होप कीजिएगा आपका DB के लिए कॉल आ जाएगी, यानी PDF में नाम आ जाएगा। EBC के लिए आपका रहेगा 70 से 72 के बीच में रहेगा, 65 से लेकर 67 के बीच में रहेगा फीमेल के लिए। SC के लिए 60 से 62 और आपका फीमेल के लिए 55 से 59 के बीच में रहने वाली है। ST के लिए जो संभावना है आपका 60 से 65 के बीच में, और यहाँ पर 55 से 57 के बीच में रहने वाली। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें हिंदी के लिए, हिंदी के लिए आपका 68 की हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी के लिए। नेक्स्ट रेफरेंस से करते हैं, ये आपके मेल है ये फीमेल है। UR कैटेगरी अगर देखेंगे तो 80 से 85 के बीच में रहने की संभावना है, फीमेल के लिए 72 से 78 के बीच में रहने की संभावना है, और EWS के 70 से 75 के बीच में रहने की संभावना है, और यहाँ पर 68 से 71 के बीच में आपकी संभावना है। आपका 78 से 72 के बीच में रहेगी, और 71 से 74 के आपका फीमेल की रहेगी,
ईबीसी के लिए, ये आपका रहेगा कैटेगरीज है और बीसी कैटेगरी के लिए 72 से लेकर के 75 कैटेगरीज यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से। ईबीसी का यहाँ पर रहेगा, ईबीसी का आपका रहेगा 72 से 75 और यह 66 से लेकर 70 के बीच में आपका रहने का वाला है। एससी कैटेगरी का 58 से 62 के बीच में और यहाँ पर 53 से 58 के बीच में अगर आपका है तो चांसेस बनेगा, इसमें प्लस आपका रहेगा तो आपका चांसेस होगा। लास्ट तक वेट कीजिएगा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे आने वाले भविष्य में, जो आपको जो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। 59 से लेकर 63 के रहेगा और यहाँ पर 52 से 55 के बीच में रहेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम बात करें संस्कृत के लिए, ठीक है, संस्कृत के लिए 68 के लिए रहेगा। जनरल कैटेगरी के लिए यूआर के लिए जो कि 72 से 75 के बीच में रहेगा, 68 से 72 आपका रहेगा फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस के 62 से 65 रहने वाली है और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 55 से 60 के बीच में रहने वाली है। बीसी के डिग्री के लिए देखेंगे तो 67 से 61 के बीच में रहेगा, 71 के बीच में रहेगा और ये फीमेल के लिए 62 से 65 के बीच में रहेगा। और फीमेल के लिए अगर ईबीसी की बात करें मेल के लिए 62 से 65 के बीच में रहेगी और ये आपका फीमेल के 57 से 60 के बीच में रहेगी। और आपका एससी कैटेगरी में 53 से लेकर के 55 के बीच में है, 57 के बीच में रहने वाली है और यहाँ पर आपका फीमेल का 48 से 52 के बीच में रहेगी। 55 से लेकर के 60 के बीच में एसटी कैटेगरी का रहेगा और ये आपका फीमेल का रहेगा 52 से 56 के बीच में। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। 9th से 10th के लिए जो भी सब्जेक्ट के लिए है इसमें हम चर्चा करेंगे बाद में लास्ट में। और आपका साइंस का हो चुका, नेक्स्ट इंग्लिश की बात करेंगे, फिर उर्दू सब्जेक्ट का, और ये 6 to 8 का आपका कंप्लीट हो जाएगा। सर हिंदी का 6 to 8 का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस में मेल में 55 है चांस है, बिल्कुल आपका द हिंदू एडिटोरियम आपका बिल्कुल चांसेज बनता है हिंदी का। अभी अभी मैंने बताया आपका हिंदी सब्जेक्ट का, अगर आपका ईडब्ल्यूएस का है मेल में, ईडब्ल्यूएस में आपका मेल में चांसेज बनता है, ठीक है। फिर 75 आपका इवन सेफ जोन में जाते जा रहा है, सेफ जोन में आपका एक दो नंबर क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आने वाला है उससे आप मिला लीजिएगा, एक दो नंबर का डिफरेंस होने के बाद भी आपका चांसेज बनता है ईडब्ल्यूएस में। नेक्स्ट इंग्लिश की चर्चा करें, कैटेगरीज आपका है मेल और फीमेल इस तरह से इंग्लिश का देखें। यूआर कैटेगरी में अगर आपका है तो 76 से लेकर के 80 के बीच में है और फीमेल के लिए 70 से 75 के बीच में रहने वाले है, एक दो नंबर का डिफरेंस होगा, लेकिन आपका अगर आप 80 प्लस है तो सेफ अपने आप को मानिएगा। ईडब्ल्यूएस के अगर बात करें इंग्लिश में 70 से लेकर के 75 के बीच में रहने वाली है, 70 से 75 और फीमेल के लिए 61 से 65 के बीच में। ईबीसी के लिए 75 से 78 के बीच में रहेगा और आपका अगर फीमेल की बात करें तो 60 से लेकर के 65 के बीच में रहेगा। ईबीसी का 68 से 72 के बीच में रहने वाली है और नेक्स्ट है आपका 58 से लेकर के 64 के बीच में फीमेल का रहेगा। एससी कैटेगरी की बात करें 50 से 55 के बीच में रहेगा एससी कैटेगरी का। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी अगर ले आते हैं फीमेल का आपका अगर 42 प्लस है तो आप सेफ मानिएगा। इंग्लिश में अगर एसटी कैटेगरी की बात करें 60 से 65 के बीच में रहेगा मेल का और ये आपका फीमेल का रहने वाला, फीमेल का ये रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें उर्दू का सब्जेक्ट, उर्दू सब्जेक्ट में देखेंगे मेल की जो कैटेगरी रहेगा इसमें मेल में अगर यूआर कैटेगरी में है तो 85 प्लस जान रहा है, 85 प्लस है तो सेफ स्कोर मानिएगा, 80 से 85 के बीच में जाएगा, कट ऑफ उसके आसपास में रहेगा। सर हिंदी का 6 to 8 का 80 बता रहा है बट सारा यूट्यूब पर नहीं, 80 बता रहे हैं ना, बताने दीजिए, बताने से क्या जाता है, फाइनल आंसर की आने के बाद आपको पता चलेगा, उसके बाद आपको जल्द ही आपको रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा क्योंकि आनंद फानन में विधानसभा का चुनाव है लास्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर सॉरी 2025 में, तो 160,000 की वैकेंसी भी दिखाई जाएगी, पेपर पर होगा, एक्चुअल में कितना होगा आप लोग को भलीभांति मैंने एक कैलकुलेशन भी बताया था लास्ट वीडियो में, जो लोग कनेक्टेड हैं कई महीनों से कई दिनों से उनको पता होगा, एक्चुअल पेपर में आपको लगभग 70-80,000 ही मान के चलिएगा, 50% 60% ही एक्चुअल में लोग नियुक्ति पत्र देते हैं। पीआरटी फ्रीडम फाइटर का कैटेगरी का कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में आपका हो जाएगा अभिजीत कुमार जी, आपका कितना मार्क्स बन रहा है बताइएगा, अभिजीत आपका अगर 45-40 के आसपास भी बन रहा है तो आपका बन जाएगा। सर फीमेल अदर स्टेट में 69 मार्क्स में है, एक बार फिर से लिखिएगा, नीरज पाल कुमार समझ पा रहे हैं, फिर से लिखिएगा डॉक्यूमेंट्स। चलिए नेक्स्ट इसको कंप्लीट करते हैं फिर आपके क्वेश्चन को लेंगे। ईडब्ल्यूएस पे अगर देखें उर्दू वालों के लिए 80 प्लस आपका रहने वाला है ईडब्ल्यूएस मेल के लिए, ईडब्ल्यूएस फीमेल है 70 प्लस के आसपास में रहेगा सेफ स्कोर, और अगर बीसी कैटेगरी की बात करें आपका 75 के आसपास रहेगा ये आपका मेल के लिए, फीमेल के लिए 60 से लेकर 65 के बीच में रहेगा। और आपका नेक्स्ट है ईबीसी का 70 से 75 रहेगा
और आपका एससी के लिए 40 से लेकर 45 के बीच में, 42 से 46 आपका रहेगा एसटी कैटेगरी के लिए, ये आपका फीमेल के रहेगा 40, और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है एसटी कैटेगरी में आपका हो जाएगा। चलिए आपके क्वेश्चन आप लेता हूँ, आप क्वेश्चन एक एक पूछिए, मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दे दूँ। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेडी रखें सर? हाँ बिल्कुल आप रखिए। नेक्स्ट है नीरज पाल सर, सर अदर स्टेट में 69 मार्क्स आ रहा है, चांस है क्या? अदर स्टेट में कौन से सब्जेक्ट के लिए आप पूछ रहे हैं? अदर स्टेट किस पीआरटी के लिए पूछ रहे हैं, 68 के लिए पूछ रहे हैं, 9 से 10th, 11 से 12th, वो भी आप डालिएगा साथ में, वो भी साथ में डालते जाइए। नेक्स्ट कोई क्वेरी है पूछिए। फ्रीडम फाइटर का कटअप वही मैंने बता दिया आपको सर, पिछले ईयर मेल कैटेगरी का 80 गया था और 68 का कट ऑफ, पिछले साल का अलग सिचुएशन था और इस बार का अलग सिचुएशन था, सबका कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ रहता है, तो वही मैंने आपको बताया 75 प्लस है तो आपका सेफ माना जाएगा, 75 के आसपास। सर पीआरटी का अदर स्टेट में 69 है, पीआरटी में 68 आपको बन रहा है तो संभव है, देखिए पीआरटी का जो मैंने आपको बताया पीआरटी का ही है 60 है, अदर स्टेट में आपका मेल में आता है फीमेल में, फीमेल में आपका 65 से मैंने बताया 65 से 70 का, तो आपका एक्चुअल आपका बॉन्डी के मतलब कि सेफ स्कोर से एक नंबर कम है, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपका एक दो नंबर कम जाएगा, हो सकता है बढ़ भी सकता है, दोनों चांसेज है, क्योंकि अभी आप लोगों ने यूट्यूबर या फिर कहीं से आपने जो भी जहां से भी आपने सेट मिला है आपने मिलाया है तो एक दो नंबर आपका वहां चेंजेज होती है ऑफिशियल आंसर की में, जानबूझकर भी कई बार आपका बीपीएससी जो है बीपीएससी खेला करता है और ये दो तीन क्वेश्चन ये गलत करवाते हैं, फिर आंसर की भी दिया जाएगा या नहीं, फिर करेक्शन के लिए दिया जाएगा, फिर 500 रुपये चार्जेज लेंगे वो लोग, अलग सिचुएशन से वहाँ पर आप लोग करना पड़ेगा। मैथ साइंस के लिए ईडब्ल्यूएस में 80 प्लस आ रहा है तो कोई चांस? बिल्कुल चांस बढ़ता है प्रभात वर्मा, प्रभात वर्मा आपका चांस 100% है, हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं, आई डोंट नीड टू ऑल द थिंग्स, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगा, जो लोग भी TRE 3 TRE 4 के लिए प्रिपरेशन में जुड़े हुए हैं, TRE 3 में जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो वो लोग ज्वाइन करेंगे ही TRE 3 में, 4 वाले जितने लोग हैं जिनका नंबर ज़्यादा इस कट ऑफ से कम आ रहा है 10 नंबर 15 नंबर या उससे भी ज़्यादा कम आ रहा है, तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगा अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, अचानक आपको अगस्त में नियुक्ति पत्र मतलब कि एप्लीकेशन आएगा, और हो सकता है सेप्टेम्बर में, जैसा बताया गया 24 सेप्टेम्बर डेट है आपका, 24 अगस्त हालांकि पहले था, लेकिन आपको सेप्टेम्बर में भी आपका बीपीएससी का है, यूपीएससी का भी एग्जामिनेशन है 30 सेप्टेम्बर का, बीपीएससी का पीटी का है, तो अक्टूबर में हो सकता है या फिर आप अक्टूबर या फिर छठ पूजा के बाद नवंबर में या दिसंबर में भी ले सकते हैं, जैसा कि TRE 2 में लिया गया था आनंद फार्म में, और जनवरी में आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो ज़्यादा टाइम आप लोग को मिलेगा नहीं, मेरा होगा कि नहीं 9 से 10th में 91 बहुत अच्छे से हो जाएगा एग्ज़ाम प्लस आपका आराम से हो जाएगा। PGT पॉलिटिकल साइंस का सर BC मेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, क्योंकि उसमें अभी जितने भी PGT वाले हैं TGT वाले उन लोग का एक बार हम रिसर्च करते हैं, उसके बाद अच्छे से बताते हैं, ये उसका एक सेपरेट वीडियो हम बता देंगे, ठीक है, क्योंकि सारा आंकड़ा जब भी सारा हम देख लेंगे उसके बाद। TGT में इंग्लिश में देखिए, TGT में कॉम्पिटिशन बहुत कम है, तो अगर आप जो 50-60 भी नंबर ले आते हैं तो आपका हो जाएगा। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों रखना होगा, बिल्कुल आपको जैसे आपने फॉर्म को फिलअप करने के समय सर्टिफिकेट दिए होंगे, ज़्यादातर लोग वही देते हैं सर्टिफिकेट, तो आपको दोनों ले जाना होगा, मार्कशीट भी ले जाना है और सर्टिफिकेट भी ले जाना है, एक आधार कार्ड मैंडेटरी है सभी लोग के लिए, डॉक्यूमेंट्स अगर हम एक बार चर्चा कर लें यहाँ पर, डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी है आप लोगों को, एक तो आधार कार्ड है विद OTP, आपको OTP वेरिफिकेशन के लिए भी लेता है आधार सभी लोग को, चाहे आप बिहार से हो या बिहार के बाहर के, और एक पेन कार्ड आपका अगर अकाउंट्स नहीं बना है तो, अकाउंट्स ऑलरेडी है तो पेन कार्ड आपके पास होगा तो पेन कार्ड ले जाइएगा, दो चीज़ें हैं, तीसरा चीज़ आपका 10th 12th जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका मार्कशीट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर राइटिंग मत देखिएगा, यहाँ मार्कशीट और M फॉर मार्कशीट और C फॉर सर्टिफिकेट आपका दोनों चाहिए, 10th का भी 12th का, ग्रेजुएशन आपके पास है तो ग्रेजुएशन का भी चाहिए, और फिर आपका 3rd या 4th आपका अगर आपने CTET पास किया है या फिर आपने BTET पास किया है या फिर STET पास किया, कोई भी आपने पास किया, इसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चलेगा जो भी रिजल्ट आपका है, और एक आपने जो फॉर्म फिलअप किया है BPSC का वो भी आपका लिया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना होगा, ये सारी चीज़ आपको लेके जाना होगा। चलिए इसके अलावा और कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं।
9th से 10th में मैथ्स में 82 में ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा प्रभात वर्मा जी, मैथ्स 82 दैट्स अ सेफर स्कोर आई थिंक सर, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया ये मैथ्स के लिए आपका ये सेफर स्कोर है आपका, ईडब्ल्यूएस में आपका है 74 ही मैंने बताया आपका, तो 6-7-8 नंबर ज़्यादा है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, हो सकता है इस बार कई लोग टी आर ई टू और टी आर ई वन में जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं उनको मनचाहा डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, मनचाहा वो लोग भी उसमें आपको फॉर्म फिलअप किए हैं, कई स्टूडेंट हैं कई लोग जो कनेक्टेड हैं टी आर ई वन में भी सिलेक्टेड हो चुके हैं, टी आर ई टू में भी सिलेक्ट हो चुके हैं और इस बार भी एग्जामिनेशन दे कर आए हैं, रिसेंटली मुजफ्फरपुर में लखीसराय में कई जगह जो दे कर आए हैं, कैमूर में, बांका में, आड़ा में, पटना में, वो लोग भी क्योंकि अपने डिस्ट्रिक्ट में चाहते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट के लिए वो लोग फाइट कर रहे हैं, होम डिस्ट्रिक्ट के लिए कहीं भी अभी नियुक्ति पत्र ले लीजिए, उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट या फिर अपने आसपास में 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर में डिस्टेंस में लोग जॉब करना चाहते हैं, अब ये चाहत रह गई जो टी आर ई वन और टी आर ई टू में सेलेक्ट हो चुके हैं। चलिए इसी तरह से अगर आपका कम नंबर आएगा या फिर किसी कारण से नहीं रहता है तो एक बार और चांस मिलेगा 1,60,000 वैकेंसी में, अपना उसमें नाम लिखवा लीजिएगा क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद संभव कम है, इसके चांसेस कम है कि हर साल ये एग्जामिनेशन लेंगे। थैंक यू सो मच एस के जी, बोलिए 100% यही रहेगा कट ऑफ बिल्कुल, ओके थैंक यू, थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। चलिए इस वीडियो को यहीं पर शॉर्ट रखते हैं, ज़्यादा मकसद मेरा रहेगा पढ़ाई से और जितने भी कंटेंट आपको प्लेलिस्ट आप जाकर के देख सकते हैं, मैंने आपको घटना चक्र पूरा कंप्लीट करवाया, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जा रहे हैं, टीआरई 4 के लिए जा रहे हैं या बीपीएससी